दोस्तों नमोगार्ड का कुछ ऐसा प्यारा व्यू दिखाई देता है। भाई जो सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं यहीं से एंट्री होती है और ऊपर पेट्रोल पंप की साइड से गेट है तो वहीं से आते हैं ऊपर की तरफ से मेन रोड से। और ये जो नमो घाट है वो दशाश्वमेध घाट से करीब 3.5 किलोमीटर के समथिंग है। और यहाँ जब आप अगर वहाँ से गोदाली या चौराहे से आते हैं तो टेम्पो वाले 25 से 30 रुपये चार्ज करते हैं नमो घाट के। भाई ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं बीच में ट्रेन चलती है और ऊपर पैदल चलने वाला रास्ता है तो इस ब्रिज का नाम मालवीय ब्रिज है। करीब ये 120 और 125 साल पुराना ब्रिज है जो नमो घाट पर बना हुआ है। भाई अगर आप बनारस आते हैं तो नमो घाट ज़रूर आइएगा। और मैं मॉर्निंग में आया हूँ, आप इवनिंग में आइएगा क्योंकि यहाँ जो लाइटिंग होती है ना लाइटिंग का एक अलग ही यहाँ इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप लाइटिंग में एक अलग ही आपको ये जो व्यू है वो डिफरेंट मिलेगा एकदम। जो सामने देख रहे हैं गाइस ये सीएनजी फिलिंग स्टेशन है, जो मोटर बोट चलती हैं यहाँ सीएनजी से चलती हैं और इसी से सीएनजी लेती हैं। भाई अभी मैं जो आ चुका हूँ वो श्रीलंका मंदिर पर आ चुका हूँ और देखिए भाई कितना प्यारा व्यू है। साइड में नॉर्मली मैंने वैसे वीडियोज़ में देखा है मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पर फीस वगैरह तो कुछ है नहीं है, एंट्री फीस वगैरह आपको कुछ भी नहीं देनी। और ये श्रीलंका मेन मंदिर है, श्रीलंका मंदिर जो है वो मेन मंदिर है। और यहाँ पर मतलब यार जैसे कि बौद्धी को ही जैसे बौद्धी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। काफ़ी प्यारा व्यू है। बौद्ध जी अपने जो 5 शिष्य थे उनको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब यहीं पर ज्ञान दिया था। और ये वो ट्रे है जिसके नीचे उन्होंने मतलब बैठकर बौद्ध जी ने ज्ञान दिया था। और ये हाँ बौद्ध ट्री है भाई, बौद्ध ट्री यहाँ पर लिखा हुआ दिस बौद्ध ट्री एंड द कॉम्प्लेक्स, तो ये बौद्ध ट्री है। बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। काफी अच्छा व्यू है भाई श्रीलंका मंदिर। अगर आप सारनाथ आ जाएं तो श्रीलंका मंदिर जरूर आएं। श्रीलंका मेन मंदिर है, श्रीलंका मेन मंदिर यहीं से आपका ये सामने धामे की स्तूपा है और उससे आगे थोड़ी सी आगे चौखंडी स्तूपा है। इससे धामे की स्तूपा पहले ही पड़ जाता है। और ये यहाँ आई थिंक डियर पार्क है इधर की साइड। अभी आ चुका हूँ डियर पार्क, जो श्रीलंका मेन मंदिर है उसके जस्ट पीछे है डियर पार्क। और टिकट लगती है आपकी 10 रुपये की टिकट लगती है डियर पार्क आने के लिए। और कुछ ऐसा भी भाई दिखाई देता है डियर पार्क का फूल, मतलब जो फूल है भाई ये गुलाबी कलर के हैं, क्या कितने ज़ोरदार लग रहे हैं यार। भैया जी सफाई कर रहे हैं भाई, डियर पार्क को साफ़ सुथरा रखने में भैया जी काफ़ी मदद कर रहे हैं भाई। यहाँ आई थिंक रेस्टोरेंट है और इधर से जाने का रास्ता है क्योंकि इधर से ही ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। ये भाई डियर पार्क है, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे वो वहाँ पर है, एक वहाँ पर भी है। भाई ये तोते हैं, एक वो गया एक वो गया, कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखें। हाय हेलो, एक वो गया सामने भी है एक। भाई ये डिफरेंट कलर की मतलब चिड़िया है, मैंने देखी नहीं यहाँ से पहले कभी। और ये यहाँ पर ऐसे ही हट बने हुए हैं सभी में डिफरेंट डिफरेंट, उस वाले में तोते हैं और इस वाले में ये डिफरेंट कलर की चिड़िया है, मैंने देखी नहीं। देखिए बिल्कुल यार डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर एक इसके जो गाल है यहाँ पर रेड कलर का साइन सा है, कुछ रेड कलर का टाइप का साइन है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे डोल रहे हैं इनके, देखिए लाइनदारी से जा रहे हैं भाई, कितना प्यार है। एक ही के पीछे सारे चल रहे हैं। रंग बिरंगी कलर की मछलियाँ हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भाई। इस वाले जो मतलब यहाँ पर लेक टाइप में बनाई गई है एक सीधी,